पट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। जहाँ के भी कोई पट्टी देना चाहेगा वो देगा, इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के उनके पैतृक गांव में सुपुर्दे खाक कर दिया गया, लेकिन इस दौरान उनके बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी की प्रशासन और अधिकारियों से तीखी बहस हो गई। इस दौरान अफजाल अंसारी बेहद गुस्से में नजर आए। दरअसल सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के दौरान गाजीपुर की DM आरका अखोरी ने अफजाल अंसारी से केवल परिवार के सदस्यों को ही कब्रिस्तान के अंदर ले जाने को कहा। इस पर अफजाल ने कहा कि अगर दूसरे लोग भी मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। इस पर DM ने कहा कि मैं DM हूँ, इसके लिए इजाज़त नहीं ली गई है। इस पर गुस्साए अफजाल अंसारी ने कहा कि आप चाहे कुछ भी हों, धार्मिक प्रयोजन के लिए या किसी की मिट्टी के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती है। मिट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। इस पर DM ने कहा जरूरत होती है क्योंकि यहां धारा 144 लगी हुई है, आप सिर्फ परिवार के लोगों के साथ ही अंदर जाइए। तो इस घटना के बाद क्या बोले सांसद अफजाल अंसारी वो आपको सुनवाते हैं। नहीं, इसका जो धार्मिक तरीका होता है, पहले घर पे जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद जनाजे की नमाज हुई और फिर यहाँ इस हाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है यहाँ पे दफन हुए। फातिहा हो चुका है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है? लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। आगे 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 कैसे किस तरह का कार्रवाई करेंगे? अब वो तो बाद में बात करेंगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस घटना को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।